ये चांद लहू लुहान होने वाला है, अब काबुल पर कहर बरसेगा, लालो ले कुछ ही लम्हों में चांद पे ग्रहण लगना शुरू होगा। आपके लिए मेरे नूरे निगाह, आज मैं चांद भी तोड़ दूंगी। मेरे बच्चे, कहाँ जा रही शहजादी? आसमान में लाल ओले गिरना कोई मामूली बात नहीं है दाईजा, जरूर कोई हादसा होने वाला है। आसमान इतना डरा क्यों रहा है मुझे आज? इतना क्यों चिल्ला रहे गुस्से में? यहाँ लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पढ़ा है किताब में कि ऐसी अनहोनियां तभी होती है जब शैतान जागने वाला होता है। तू ये किताबी वाली बातें करके डरे हुए को और डरा रहा है। कुछ नहीं होते शैतान वैतान। शाही सड़क के लोगों को भी देख के तुझे यकीन नहीं होता कि शैतान होते हैं। सारे शैतान तो वही रहते हैं साथ में, और सबसे बड़ा शैतान वो जोरावर जिसने हमारे बाबा का ठेका उनसे छीन लिया। बाबा और जोरावर की दोस्ती क्यों नहीं होती? वो क्यों हर बार लड़ते रहते हैं? क्योंकि वो जोरावर बाबा को समझना ही नहीं चाहता है। वो बाबा से बात तो करे, तब उसे पता चलेगा ना कि हमारे बाबा का दिल कितना बड़ा है। मुझे ना ख्याल आ रहा है, बच्चे होने का एक फायदा होता है, बड़े बड़ों से लड़ते बच्चों से नहीं। अगर हम सब जाके जोरावर भाई को समझाए, शायद से वो पापा से दोस्ती कर ले और उनका ठेका भी वापस दे दे। इतना आसान नहीं होता गोलरेस, लेकिन तुम चिंता मत करो, बाबा को ठेका नहीं मिला तो क्या हुआ, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और सो जाओ इससे पहले कि मौसम और बिगड़े, है ना? बाहर कहाँ घूम रहा है, जल्दी घर जा। अरे लाल ओले जहरीले भी हो सकते हैं, चल निकल। अली बाबा, लाल ओले देखे तूने? कैसा खूनी मौसम हो रहा है ना। ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है, कयामत के आने का इशारा है ये। हमेशा बुराई सोचना। अरे अगर ओलों ने रंग बदला है तो जरूरी थोड़ी है कि कुछ बुराई होगा। हो सकता है सबका वक्त बदलने से पहले मौसम बदल रहा है। और बाबा वैसे भी अभी तक कुछ बुरा तो हुआ नहीं है। इंसानों से पहले जानवर को अक्सर खतरे का एहसास हो जाता है। मैं मेरे बच्चों का हाल पूछ के आया। अबूजान, आपने ये लाल ओले देखे? क्या हो रहा है ये सब? मरियम, आप अभी के अभी हेरा रवाना हो रही हैं। इनका सामान बांधिए फौरन। लेकिन अबू, हेरत के लिए अभी क्यों? हम तो कुछ दिन बाद निकलने वाले थे ना। हम नहीं, आप जा रही हैं। देखिए, अभी हमसे सवाल मत कीजिए, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करिए। फिलहाल आप सिर्फ हेरत में ही महफूज रह सकती है। चलिए। अबू आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अबू आपने कभी हमें महल से जाने नहीं दिया ये कह के कि हम महल के बाहर महफूज नहीं हैं, और अब हमें ये कह के अकेला भेज रहे हैं कि हम महल के अंदर महफूज नहीं। आपके होते हुए आखिर हमें यहाँ किससे खतरा हो सकता है?
चाहे कुछ भी हो जाए, आप शहजादी को दुनिया से महफूज रखिएगा। महल के बाहर किसी को इल्म तक ना हो कि शहजादी दिखती कैसी है। अब कुछ छुपा रहे हैं हमसे? अब्बू जान बताइए ना क्या हुआ है? आपकी परेशानी का ताल्लुक ये लालों से है ना? बताइए ना अब्बू। हमें कुछ नहीं पता मरियम, हम क्या बताएं आपको? बस इतना समझ लीजिए कि हमें इस बात का फहम है कि काबुल शाही पर कोई आफत आने वाली है। आफत? कैसी आफत अब्बू? और आप चाहते हैं कि ऐसी हालत में हम आपको अकेला छोड़ के चले जाएं? बिल्कुल भी नहीं। या तो ये जो भी आफत है, हम आपके साथ मिलके इसका सामना करेंगे, या फिर आप चलिए ना हमारे साथ। मरियम, अगर आप अपने अब्बू जान की बात नहीं मान सकती तो अपने सुल्तान के हुक्म की तामील तो कर सकती हैं शहजादी, और फौरन हेरत के लिए रवाना हो सकती हैं। ये हमारी सल्तनत है और हम अपने आवाम को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको यहां कुछ हो गया तो हम वैसे भी नहीं जी पाएंगे, इसीलिए यह हमारा आखिरी फैसला है और हुक्म भी कि आप हेरत के लिए निकल रही हैं। अलीफी, इमाद, नफी पोया। बाबा, बाबा। अलीफी गुलरेस कहाँ है? सो रही है। सो रही है इतनी जल्दी? गुलरेस, मेरी गुले गुलरेस, मेरी गुले गुलरेस, आज इतनी जल्दी कैसे सो गई? तूफान से डर तो नहीं गई गुलरेज? करने से मना किया था, पर अगर नहीं करूंगी तो फिर जोरावर भाई को कैसे समझाऊंगी कि बाबा का दिल कितना बड़ा है, उन्हें उनसे दोस्ती करनी चाहिए और ठेका भी वापस करना चाहिए। बाबा के लिए ही बाबा का कहा अनसुना करना पड़ेगा।
कयामत आने वाली है। आ गया है वक्त अधूरी किस्मतों के मिलने का। खल दरार। अलीफी, गुलरेस कहाँ है? यहीं पे तो सुलाया था मैंने। यहाँ पे तो नहीं है। घर में ही होगी बाबा, और कहाँ जा सकती है? सुरावर भाई, सुरावर भाई। बाबा, गुलरेस आपको लेकर परेशान थी। परेशान थी मतलब? कह रही थी कि हमें चलकर जोरावर से बात करनी चाहिए आपका ठेका वापस दिलाने के लिए। सुरावर भाई, सुरावर भाई। बहुत भोली है वो। मैंने उससे कहा भी कि जोरावर से बात करके कोई फायदा नहीं है। सुरावर भाई, सुरावर भाई। तुम लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वापस जाओ। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे बाबा। अलीफी, सबको लेके घर में वापस जाओ। लेकिन बाबा। अलीफी, जब तक मैं गुलरेस को लेके नहीं आऊंगा कोई घर से नहीं निकलेगा। जाओ जाओ। चलो। ऐसे तो बाबा हमेशा कहते हैं कि हम सब साथ हैं तो सब मुश्किलें खाक है, और जब मुश्किल वक्त आया तो चल दिया अकेले टकराने। रहते हुए आपको कोई मुसीबत, परेशानी, कोई शैतान छू भी नहीं सकता है सुल्तान। हम सब मिलकर डटकर सामना करेंगे हर मुसीबत का। आप जैसे वतन परस्त वफादार सिपाही हमारी ताकत है सदाम। हमें पूरा भरोसा है आप पर कि दुश्मन आपकी तलवार की ललकार जरूर सुनेंगे आज। मेरे तलवार की ललकार दुश्मन जरूर सुनेगा आज, पर मेरा वो दुश्मन तो तू है सुल्तान। क्या भप रहे हैं आप मियां सद्दाम? ओ, माफी चाहते हैं सुल्तान सद्दाम। बिल्कुल तुम्हारे सर के माप का है और तुम्हारे जलवे के लायक है सुल्तान का ताज। जब हम सुल्तान बनेंगे तो पेश कैसे आएंगे? ए, सुल्तान का हुक्म सुनो, सर कलम कर दो इस खबीज का, इस खबीज का सर कलम कर दो। ए, इस खबीज का सर सुनो, इसे कुएं में फेंक दो।
वाह 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 मेरे रहबर वाह, क्या हवाई इंसाफ किया है आपने। फटाफट पवन के झोंकों को कुएं में फेंकवा के, और मेरे रहबर आपके सर पर ये ताज क्या फब रहा था। लेकिन मेरे रहबर मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि अगर ये किसी ने देख लिया तो ऐसा ना हो जाए कि इस ताज के साथ साथ आपका मुअज्जिज सर भी दरख्त। और अगर मैं तेरी जुबान काट कर दरख्त पर लटकवा दूं तो? मेरे रहबर, मेरे होने वाले सुल्तान, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि चांद ग्रहण लगने वाला है और बाहर लोगों की अफरा तफरी मचे और आप है के हम है के आप है के खुद को निहारने में मशरूफ है। वो तो हम निहारते रहेंगे मजूर, अफरा तफरी तो हमारे दिल में भी मची है। ये ग्रहण का इंतजार तो मैं बरसों से कर रहा था। ये सुल्तान का तख्त जल्द ही मेरा होने वाला है मजूर। बस मेरे मकसद की रुकावट अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ वो वफादारी की बीमारी तारा खासी। काबुल के वफादार सिपाहियों, चमका लो अपनी तलवार और फौलाद भर लो अपने सीने में, क्योंकि आज की रात ढलने से पहले हमारी तलवार का रंग सुर्ख लहू का होगा। हमारी हुंकार से कांपेंगे दुश्मनों के दिल, कुचला जाएगा, काटा जाएगा हर वो सर जो उठेगा हमारी काबुल शाही के खिलाफ। वो मुंह कटा तो नारेबाजी में मशरूफ है। वो नारेबाजी में मशरूफ है तो हमें ऐसे देखने की आदत डाल लो मजूद, क्योंकि कुछ ही पलों में मेरे शैतान हमला करेंगे और मैं बनूंगा काबुल का सुल्तान। सुल्तान सत्तान। गुलरेज, 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 आपको अपने बाबा के पास। आज आपको जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलेगा कि जिंदगी में हर गलती का एक अंजाम तय होता है। इस कयामत की रात में आपको छोड़कर हेरत जाना ठीक नहीं लग रहा अब्बू, पता नहीं क्या होने वाला है। अब तक तो तुझसे नफरत थी बराबर, लेकिन अब ज्यादा दुश्मनी है।
बच्ची पे हाथ उठाकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती नहीं सजा है। कीड़े महल में शामिल होंगे तो उन्हें खुशामदीद नहीं कहा जाता, उन्हें कुचला जाता है। आज ये रोज रोज का किस्सा ही खत्म करते हैं, बेशरम कीड़ों को खत्म करके। पहले किसे कुचले? आपको या आपकी इस यतीम बच्ची को?